हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के कोकोनट वाटर के बारे में। सो दोस्तों, कैसा है ये प्रोडक्ट और क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। दोस्तों, इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, जैसे देख रहे हैं, मतलब ऐसे रियल के भी आते हैं, पेपर बोट कंपनी का भी आता है, उससे काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और दूसरी बात, ये 200 ml की पैकेजिंग में आता है और इसका प्राइस जो है यहाँ पे पड़ जाता है 60 रुपये, और नो एडिड शुगर लिखा हुआ है इसमें। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है यहाँ पे, यहाँ मेंशन है कोकोनट वाटर, बायो प्रेजर्वेटिव कॉन्टेन्स नेचुरली अक्यूजिंग शुगर। तो दोस्तों, जैसे गर्मी का मौसम है, आप नारियल पानी पीते ही होंगे, बहुत लोग पीते हैं, तो जो रास्ते में मिलता है, क्या ये नारियल पानी उस नारियल पानी से अच्छा है? तो दोस्तों, बात की जाए कि वो नारियल पानी जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती है, और ये जो नारियल पानी है इसकी क्वांटिटी सिर्फ 200 ml है। वो तो थोड़ा, मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि वो 400 ml या 500 ml तक भी होता है। ये तो सिर्फ, कई बार बहुत ज़्यादा भी निकल आता है उसमें, और ये तो सिर्फ 200 ml का है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस के हिसाब से 60 रुपये इसकी प्राइस, जो वो नारियल आता है वो भी 60 रुपये का ही आता है, तो कहीं कहीं सस्ता भी होता है। तो देखा जाए तो अगर आपको इंस्टेंट चाहिए या आपके पास कोई ऐसे शॉप है तो आप वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं, या आपके फ़ोन में ऐप है ग्रोसर्स या इंस्टामार्ट, आप वहाँ से इसे मंगा सकते हैं। अगर आपके पास, मतलब आपके घर से ऐसी कोई नारियल पानी की जो स्टॉल लगा होता है वो दूर है, तो आप हाँ इसे परचेज़ कर सकते हैं आप, ये इंस्टेंट ऑप्शन अच्छा है। हाँ, पर अगर बात की जाए कि उस नारियल की रिप्लेसमेंट, तो आप नहीं, आपको वही नारियल पानी पीना चाहिए दोस्तों। खैर, बाकी ये प्रोडक्ट ठीक है, अच्छी पैकेजिंग में आता है और आप यूज़ कर सकते हैं, आप ठीक है दोस्तों, ख़रीद सकते हैं इसे, अच्छा प्रोडक्ट है। पर मैं यही कहूँगा कि आप वही वाला नारियल लीजिए, उससे वो इसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात की जाए, इसके और भी आते हैं, जैसे रियल आता है या पेपर बोट आता है, तो दोस्तों आप रियल का भी ख़रीद सकते हैं, रियल का इससे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि आप, मतलब ऐसे उस नारियल को आप हर जगह तो कैरी कर नहीं सकते, तो हाँ ठीक है, या मतलब आपको इतना, मतलब वो मिलेगा नहीं कहीं जगह, हो सकता है, तो आप हाँ इसे ख़रीद सकते हैं। ये आपको मतलब ऐसे कोई शॉप में मिल जाएगा, या आप ऐसे ही कोई ग्रोसरी ऐप से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है उसके मुकाबले। तो दोस्तों, आप देख लीजिए इसे अच्छे से, पैकेजिंग अच्छी दी गई है इसमें, ये जो नारियल बने हैं काफ़ी अच्छे हैं, रॉ कंपनी की तरफ से आता है ये, और रियल जूस आता है, एक एक पेपर बोट आता है, और ऐसे और भी कंपनियां आती हैं। सो दोस्तों, अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ख़रीद सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, जैसे गर्मियों का मौसम है, आप जिम जाते हैं, या एकदम जिम के वर्कआउट से प्री वर्कआउट या प्री पोस्ट वर्कआउट आप इसे पी सकते हैं, क्योंकि इसका एक ये बेनिफिट होता है कि चलो आपको ये थोड़ा रिफ़्रेश कर देता है गर्मी के मौसम में, और काफ़ी अच्छा होता है ये, और इसके बहुत से बेनिफिट होते हैं, गर्मियों में बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों ये नारियल पानी। पर हाँ, मैं ये अगर इसके उस नारियल पानी से इसका कंपेरिजन करो तो दोस्तों नहीं, तो वो नारियल ज़्यादा अच्छा है अगर आपको मिलता है तो हाँ, ये वो नारियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक तो वो ओरिजिनल जो चीज़ है, ओरिजिनल है ही, अब और दूसरी बात ये है इसमें प्रेजर्वेटिव है, और ये मेंशन है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में, मेंशन है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें कोकोनट वाटर 100% लिखा हुआ है, बायो प्रेजर्वेटिव कुछ लिखे हुए हैं, INS 234, कॉन्टेंट नेचुरली एक्योरिंग शुगर्स। तो दोस्तों, जैसे ये यहीं पे मार्केटेड बाय रायल रैलियन बेवरेज से,
महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये मेरे चैनल के मतलब मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा, अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं रिव्यू वीडियो डालता रहूँगा प्रोडक्ट के जो आपके काम आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ और ऐसे मोटिवेट होके मैं और वीडियोस डालूँ और नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाऊँ और वीडियो को और अच्छे से बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों।